सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स के फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं बात करता हूँ पुराने पोल की, जब से बात कर रहा था कि यार आपको ज्यादा इंटरेस्ट किसमें होता है, फ्लैगशिप, मिड रेंज या फिर बजट फोन में, तो मार ली बाजी यहाँ पे मिड रेंज फोन्स ने 74% वोट्स के साथ में। बाकी तो यार बिल्कुल बस थोड़ा थोड़ा सा नंबर है फ्लैगशिप और बजट फोन्स का। दोस्तों इसमें आज का आपसे सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, देखो अभी बाकी फोन्स आ रहे हैं 3 कैमरा 4 कैमरा 5 कैमराज के साथ में, तो अगले साल गूगल पिक्सल 4 जब आएगा तो उसके अंदर क्या गूगल अभी भी भैया 2019 में एक ही रियर कैमरा यूज करेगा या बढ़ाएगा नंबर एक से ज्यादा। दोस्तों क्या रहती है आपकी राय बताइए ऊपर दिए गए पोल में, नीचे कमेंट्स में, और सारी बातें मिला के एक साथ एक स्पेशल लाइक तो बनता है। दोस्तों यहां पे आपको बता दूं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं टेक्निकल गुरुजी चैनल के 3 साल, और आज दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिए हैं 9.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं मैंने, लेकिन यार मेरा काम सिर्फ वीडियोस बनाने का है। जो उनको प्यार दिया है आपने, जो आपने उनको देखा है, लाइक किया है, शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो ये जो सारी बातें जब साथ मिलके आई है तो मतलब चैनल में पूरी जान सी आ गई है। और 3 साल दोस्तों जो है वो पता नहीं मतलब कब शुरू हुआ, कब 3 साल हो गए मालूम ही नहीं चला। मेरी तरफ से बहुत सारी कोशिश आगे आने वाली वीडियोस को और बेहतर बनाने के लिए, उम्मीद है कि आपका साथ ऐसे ही बना रहेगा। दोस्तों पहला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी टैब S4 को लेके। ये दोस्तों इंडिया में लॉन्च हो गया है, जो कीमत है वो है 57,900 रुपीज़। और ये दोस्तों सैमसंग का एक फ्लैगशिप ग्रेड टैबलेट है, जहाँ पे है स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर, और ये दोस्तों बेसिकली अनाउंस किया था नोट 9 के साथ में, जो कि अभी इंडिया में लॉन्च हो गया है। अगर आपका इंटरेस्ट है टैबलेट्स में तो बेसिकली सैमसंग यहाँ पे कंपीट कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस या फिर कहें तो आईपैड वगैरह के साथ में। लेकिन क्या आपको लगता है कि इंडिया में टैबलेट्स जो हैं वो लोग अभी भी इंटरेस्टेड होते हैं, बताइए क्या रहती है आपकी राय नीचे कमेंट्स में। दोस्तों पहला अपडेट निकल के आता है यहाँ पे इसके बाद में वो है भैया यहाँ पे अमेजोन की सेल को लेके, और अमेजोन की सेल वापस आने वाली है 24 अक्टूबर से, द अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल। मतलब भैया अभी तो खत्म हुई थी, अभी दोबारा से आ जाएगी, क्या मजे ले रहे हो यार हमारे, इतना खाई कंफ्यूज कर रहे हो कि इतना सेल लगाएंगे मतलब कंफ्यूज रहोगे कब शॉपिंग करें और कब शॉपिंग ना करें। देखो अभी क्या डील्स मिलती हैं हमको इसी सेल में। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो यहाँ पे वन प्लस की तरफ से, और वन प्लस ने अनाउंस कर दिया है अपना एक नया एक्सप्लोरर बैकपैक, और यहाँ पे दोस्तों बोलते हैं कि शायद ये आ सकता है वन प्लस 60 के साथ में 30 अक्टूबर को। दोस्तों कर सकते हैं इसको वन प्लस लॉन्च। तो वन प्लस अपने एक्सेसरीज भी लेके आता रहता है, जहाँ पे वन प्लस का पहले भी एक बैकपैक था और अभी यहाँ पे एक और बैकपैक आ गया है। तो ऐसे में आप मुझे बताओ नीचे कमेंट्स में कि क्या आप इंटरेस्टेड हो एक्सेसरीज के लिए, और क्या आप एक्साइटेड हो वन प्लस 60 के लिए। 10 मिलियन भी होने वाले हैं, OnePlus 60 भी लॉन्च होने वाला है, टी में 10 भी होता है, और टी वाला 10 मिलियन, मतलब देखो क्या 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 होता है बहुत जल्दी। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो यहाँ पे वर्तु के एस्टर पी को लेके, और ये दोस्तों यहाँ पे फोन लॉन्च कर दिया है कंपनी ने एस्टर पी, जहां पे जो शुरुआती कीमत है वो है 3,80,000 रुपए, और हमको मिलता है यहाँ पे एक 5 इंच का फुल HD डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर, 12 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा, 20 मेगापिक्सल की सेल्फी। और यहाँ पर दोस्तों ये तो बात है एक सिंपल वेरिएंट की, जो इसका गोल्ड वेरिएंट है उसकी प्राइस है 10,30,000 रुपये। तो यहाँ पे जो प्राइस हम दे रहे हैं ना वो स्पेसिफिकेशंस की नहीं है, वो है फ़ोन के डिज़ाइन की, वो है फ़ोन में लगे हुए उन मटेरियल्स की जो खुद अपने आप में महंगे हैं। तो ये है दोस्तों वर्टु का एस्टर पी, बताओ क्या कहते हो 10,30,000 रुपये इस फ़ोन के लिए। स्नैपड्रैगन 660 का जो मिलता है रियलमी 2 प्रो में 14,000 रुपये की कीमत में, बताओ मुझे क्या कहते हो, आपकी क्या है राय नीचे कमेंट्स में। अगला अपडेट निकल के आता है वो यहाँ पे Huawei के Honor Magic 2 को लेके। ये दोस्तों यहाँ पे उसके रेंडर सामने आए हैं, जो कि फोन लॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्दी, जहां पे मालूम ही चलता है कि होने वाला है पीछे की तरफ 4 कैमराज। पता नहीं भाई बात सही है कि नहीं है, यहाँ पर दोस्तों दिखता है स्लाइडिंग मैकेनिज्म, उसके अलावा पीछे की तरफ 4 कैमराज, तो मतलब बड़ा कंफ्यूजन है भाई कि कौन सा कैमरा किस काम के लिए, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे इसी मैजिक 2 के साथ में। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे फेसबुक की तरफ से, और जो फेसबुक के शेयर होल्डर्स हैं वो करते हैं प्रपोज कि भैया मिस्टर ज़ुकरबर्ग को हटा दीजिए CEO की पोजीशन से।
मतलब फेसबुक के साथ में भी चीजें ना ज्यादा कुछ अच्छी होने रही है। फेसबुक 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 मतलब बहुत बार ये जब से दोस्तों हुआ है ना कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला काम, तब से मतलब फेसबुक जो है वो बस ऐसी हिचकोले से खा रहा है। क्या लगता है दोस्तों आपको कि फेसबुक का आगे चल के फ्यूचर क्या होगा, जो कि अभी इतने तेजी से दोस्तों ग्रो करते करते यहां तक पहुंचा है, तो आगे फेसबुक किस दिशा में मूव करेगा मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स में कि आप क्या सोचते हैं। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे मीमिक्स 3 को लेकर, और यहाँ पे कंपनी ने खुद से ही दोस्तों यहाँ पे एक इसका रेंडर जो है वो डाल दिया है सामने, जहां पे मालूम चलता है कि इसमें होने वाला है स्लाइडिंग डिजाइन, और सामने उसमें सेल्फी कैमरा होगा, वो होगा 24 मेगापिक्सल का ड्यूअल सेल्फी कैमरा। तो ये देखते हैं दोस्तों कैसे काम करता है, और यहाँ पे बेजल्स बस बिल्कुल भी दिख नहीं रही है, हालांकि नीचे एक थोड़ी सी चिन्ह है, उसके अलावा ये है दोस्तों ऑलमोस्ट बेजललेस मीमिक्स 3 लॉन्च होने वाला है 25 अक्टूबर को 5G सपोर्ट के साथ में, 10 GB की रैम के साथ में। भैया कीमत ना इस बार Xiaomi बहुत ज्यादा लेने वाला है, मान लो ये बात। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है Mi Band 3 को लेके, और ये अभी ऑफलाइन मिलने लग गया है, तो अगर आपको भैया ऑनलाइन ये ठीक से नहीं मिल पा रहा है तो आप इसको अपने नजदीकी Mi Home Mi Store से जाके ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं। कीमत रहेगी बिल्कुल सेम 1999 रुपये। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे Xiaomi के ब्लैक शार्क को लेके, Xiaomi 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 हो गया तीन न्यूज में लगातार। दोस्तों यहाँ पे जो ब्लैक शार्क है इसका इवेंट जो है वो कन्फर्म हो गया है यहाँ पे अक्टूबर 23 को, और यहां पे बोलते हैं सिर्फ 5 दिन बाकी हैं, और शायद ब्लैक शार्क 2 आ सकता है। तो मतलब देखिए क्या होता है यहाँ पे और क्या लेके आता है Xiaomi अपने इसी लॉन्च इवेंट में, इंडिया में ब्लैक शार्क को लेके आता है या नहीं। भैया एक गेमिंग स्मार्टफोन है, अच्छी कीमत पे लेके आएगा तो मतलब और बनेगा कंपटीशन OnePlus के लिए या फिर Zenfone 5Z वगैरह के लिए, तो देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे ब्लैक शार्क लाइनअप का। दोस्तों अगला अपडेट निकलता है वो है यहाँ पे दुनिया के सबसे पतले और सबसे हल्के फोन को लेके, हालांकि ये सबसे सस्ता नहीं है, जहां पर दोस्तों कीमत है ऑलमोस्ट 20,000 रुपए के आसपास, और ये दोस्तों यहाँ पे Kyocera KY01L, जहां पे ई इंक डिस्प्ले है, 380mAh की बैटरी है, और यहाँ पर दोस्तों आप बस बेसिक बेसिक कुछ कुछ काम कर सकते हैं। हालांकि इसमें है स्नैपड्रैगन 435 प्रोसेसर, मतलब 435 तो यार एक नॉर्मल बजट एंड्रॉइड फोन जो एक फुल फ्लेज्ड फोन होता है उसमें भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे लगा दिया 435, बेसिक बेसिक काम कर सकते हो। हालांकि इसमें USB टाइप सी पोर्ट भी है, और ये है दोस्तों भैया यहाँ पे 20,000 रुपये कीमत के आसपास वाला फ़ोन, जहाँ पे जापान में मिलेगा खैर, और ये है दोस्तों सिर्फ 47 ग्राम्स का, और जो इसकी थिकनेस है वो है सिर्फ 5.3 मिलीमीटर। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे एप्पल की तरफ से, और एप्पल दोस्तों यहाँ पे लेके आ गया है स्पेशल मिक्की माउस एडिशन बीट्स सोलो 3 हेडफोन्स, और यहाँ पे दोस्तों इनकी है 90th एनिवर्सरी, तो यहाँ पे मतलब एकदम आपको मिलता है स्पेशल सा डिज़ाइन, स्पेशल सी है यहाँ पे पैकेजिंग। तो यहाँ पे ये है तो वायरलेस हेडफोन्स बीट्स की तरफ से, जो प्राइस है वो थोड़ी सी ज्यादा है, और बीट्स की तरफ से मतलब एप्पल की तरफ से, क्योंकि बीट्स के ऊपर एप्पल का ही हाथ है, और ऐसे में ये है आपके लिए एक अच्छे हेडफोन्स अगर आप हैं फैन एक मिकी माउस के। दूसरा अगला अपडेट निकलता है वो है जियो की तरफ से, भैया जियो लेके आ गया है दिवाली के टाइम पे एकदम नया धमाकेदार ऑफर, जहां पर दोस्तों सिर्फ 1699 रुपए का अगर आप करते हैं रिचार्ज तो आपको मिल जाएगा पूरे साल भर के लिए रोज का 1.5 GB डेटा। तो यहां पर दोस्तों मिल जाएगा ऑलमोस्ट 547.5 GB डेटा 1699 रुपये, मतलब 100 दिरहम से भी कम की कीमत में आपको मिल जाएगा 547.5 GB डेटा। दुबई में 100 दिरहम का 1 GB 2 GB ऐसा ही मिलता है, मतलब इंडिया में 547.5 GB, क्या कमाल बात है। दुनिया में को लगता नहीं कि इससे सस्ता डेटा कहीं मिलता होगा, इंडिया में मतलब चीपेस्ट ये कितना है, 3 रुपये GB, मतलब क्या हद हो गई है यार। दूसरा अगला अपडेट निकल गया था वो है व्हाट्सएप की तरफ से, यहाँ भैया व्हाट्सएप में आने वाला है शायद वैकेशन मोड, जहाँ पर दोस्तों आप इसको अगर करते हैं टॉगल ऑन एंड ऑफ तो आप ऐसे अपने चैट्स वगैरह जो आपने कर रखी है म्यूट, आप उनको आर्काइव वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इंस्टाग्राम भी लिंक करने का एक ऑप्शन आ गया है, तो मतलब अभी इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाट्सएप और सब जो है वो भैया मिलजुल के पकाने वाले हैं कुछ खिचड़ी, देखते हैं क्या होता है आगे आने वाले अपडेट में। दोस्तों अगला अपडेट निकल गया था यहाँ पे वो है ट्विटर की तरफ से, और अगर दोस्तों किसी ने किया एक इनअप्रोप्रिएट ट्वीट और उसको दोस्तों बाद में किया जाता है, मान लीजिए किसी के द्वारा रिपोर्ट, और बाद में अगर लेता है ट्विटर वहां पे कोई एक्शन दोस्तों करता है उस ट्वीट को डिलीट, तो वहां पे क्लियरली मेंशन किया जाएगा कि मतलब ये जो ट्वीट है इसको डिलीट किया गया है क्योंकि इसने कुछ पॉलिसीज को वायलेट किया है। दोस्तों जो भी बातें हैं वो वहां पे क्लियरली मेंशन की जाएगी कि भैया जो ट्वीट है इसको हमारे द्वारा डिलीट किया गया है। तो ये आ गया है अभी एक नया अपडेट सीधा इंस्टाग्राम की तरफ से। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है लास्ट वो है नेटफ्लिक्स को लेके, और इंडिया में चाहते
चाहता है नेटफ्लिक्स की भैया बढ़ाए अपना यूजर बेस, तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो है वो एक्सपेरिमेंट करने वाला है थोड़ा लोअर प्राइसिंग टीयर्स के साथ में कि ज्यादा सब्सक्राइबर्स वो जोड़ सके। लेकिन क्या करें यार, ऐसे में जो अमेजोन प्राइम है वो काफी सस्ता पड़ता है नेटफ्लिक्स के कंपेरिजन में, तो ऐसे में आप मुझे बताओ कि आप दोनों में से किसको प्रेफर करोगे। हालांकि मैंने दोनों का ही जो है वो मेंबरशिप लिया हुआ है, साथ में हॉटस्टार का नहीं लिया शायद मैंने, हाँ नहीं हॉटस्टार नहीं है, अमेजोन प्राइम और नेटफ्लिक्स में दोनों यूज करता हूँ। तो ऐसे में आप मुझे बताओ कि आपकी ज्यादा प्रेफरेंस क्या रहेगी दोनों में से अगर आपको दिया जाए ऑप्शन चूज करने को हर महीने का पैसा पे करके। दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही, देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो का शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।